नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेरियस टॉपिक्स। सो दोस्तों, आज चलिए देखते हैं कि अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है वेबसाइट का नाम, यानी कि डोमेन रजिस्ट्रेशन। जो वेबसाइट का नाम होता है www, जो भी xyz हम नाम लिखना लेना चाहते हैं, वेबसाइट का रखना चाहते हैं, उस नाम को इंटरनेट लैंग्वेज में डोमेन कहा जाता है। तो चलिए आज दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने डोमेन का और कहाँ हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है इस डोमेन का। तो इन सब क्या एक ही कंपनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए डोमेन की? जी नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं अवेलेबल, जैसे कि GoDaddy.com, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, JInfo, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो हर कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं, छोटी बड़ी मिला के बहुत हैं। जहां पे भी किसी पे भी आपको प्रेफर है तो आप वहीं पे आप इसका डोमेन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। लेकिन चलिए देखता हूं, आज हम GoDaddy पे बुक करेंगे। तो GoDaddy पे हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और किस तरह से हम नाम देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाके हम लिखते हैं GoDaddy और सर्च करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आपको आ रहा है GoDaddy.com, ये ओपन कर लेते हैं। और अब ये हमारे सामने जो वेबसाइट खुल गई है GoDaddy की। तो पहले तो डोमेन बहुत महंगे आते थे, अब तो बहुत सस्ते हो चुके हैं। तो चलिए ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ सर्च है। तो यहाँ सर्च क्या करना है और किस तरह से करना है, सपोज कर लीजिए एक नाम ले रहा हूँ, जैसे कि सपोज nzmart.in लेना है। चलिए अपन कॉम पहले सर्च कर लेते हैं, .com, और इसको क्लिक करते हैं सर्च। ठीक है, तो यहाँ लिख क्या है, सॉरी nzmart.com इज टेकन, राइट। अब इसमें आगे बता रहा है कि nzmart.in आप ले सकते हो, nzmart.co.in ले सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे बता रहा है। चलिए इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ₹99 में ये चीज़ मिल रही है। तो जो भी एक्सटेंशंस हम लेना चाहते हैं हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो nzmart, अब एक काम कर लेते हैं, ABCD ऐसा करके कुछ एक सर्च करते हैं। सो सी हियर इट इज सेइंग यस योर डोमेन इज अवेलेबल, बाय इट बिफोर समवन एल्स डज। तो ये हमारा जो डोमेन है nzmart.abcd.com ये अवेलेबल है। तो हम इसको अब बुक करना चाहते हैं, तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये हमारा जो है सेलेक्ट हो गया है। अब करते हैं कंटिन्यू टू कार्ट। तो ये हमारा जो वेबसाइट के आगे का प्रोसेस है। अब यहाँ बता रहा है व्हाट विल यू डू विद योर डोमेन नेम। अब यहाँ पे जो है वेबसाइट बिल्डर और ये लिनक्स वेब होस्टिंग, मतलब कोई भी डोमेन है उसको चलाने के लिए हमें जो होस्टिंग स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब होस्टिंग स्पेस की रिक्वायरमेंट के लिए अगर हमें साथ में लेना है तो हम यहाँ से यस कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे ये बता रहा है कि कितना कितना रेट है, हर सर्वर्स का अलग अलग रेट होता है। तो यहाँ पे हमें लेना है तो ले सकते हैं पहले से, और नहीं लेना है तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब ये बता रहा है लिनक्स वेब होस्टिंग में अगर जाते हैं तो ₹149 पर मंथ जो हमें लगेगा। तो सपोज़ कर लीजिए हम ये 149 वाला सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, एक वेबसाइट जो हम डोमेन कर ही रहे हैं, एक ही वेबसाइट हम उस पर होस्ट कर सकते हैं, 30 GB डिस्क स्पेस रहेगा, अनलिमिटेड बैंडविथ, 10 ईमेल आईडी मिलेंगे और एक MySQL डेटाबेस मिलेगा 1 GB का। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे प्राइवेसी का सेक्शन आ रहा है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन करना है कि नहीं करना है, ये क्या होता है। अगर हम प्राइवेसी प्रोटेक्शन खरीदते हैं
तो अगर कोई हमारे डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो अब चलिए इसको भी नो थैंक्स कर देते हैं, और यहाँ जाके आगे पूछ रहा है क्रिएट एन ईमेल एड्रेस दैट मैच योर डोमेन। अब क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं करना है, नहीं कर सकते तो नो थैंक्स पे और कंटिन्यू विद दिस ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। और ये हम आगे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसने जो ये 2 साल का कर दिया, तो अब इसको 2 साल की जगह जितने साल का हम 5 साल 3 साल 10 साल का करना चाहते हैं, लेकिन अभी 1 साल का सेलेक्ट कर लेते हैं और ये अपडेट हो गया। तो अभी यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। तो अब हम लाइनक्स होस्टिंग जो है उसको भी 1 मंथ कर देते हैं, तो ये और कम हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम और कुछ ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी सारी डिटेल्स हो गई हैं। अभी हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। जैसे प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, ये हमें पहले हमारा अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, राइट। अगर ऑलरेडी हम इसके यूज़र हैं तो हम यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी पिकअप कर लेगा, वो प्रोसेस हमें बाईपास हो जाएगा। और अगर नहीं है तो ये है क्रिएट एन अकाउंट, दिख रहा है, तो ये क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और आपको क्रिएट अकाउंट करना है। और इसके बाद ये आपको पेमेंट ऑप्शन पूछेगा, पेमेंट ऑप्शन पे जाके जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, एटीएम से कहे, डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, तो जैसा भी आप प्रेफरेंस आपका है वैसा आप पे कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक फाइनल पेमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी यहां पे आप देंगे, उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको पूरी डिटेल इसकी आ जाएगी, और इसी तरह से आपका जो डोमेन का प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि होस्टिंग स्पेस में किस तरह से हम काम करते हैं और किस तरह से हम कोई भी पेज बना के अपलोड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।